मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में प्रतिभा की रियल दुनिया में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर। राज तो अभी स्कूल में है, राज आ जाएगा स्कूल से और मैं अभी निकल रही हूँ। मुझे थोड़ा काम है, 3-4 जगह जाना है, जो कि बैंक भी जाना है, मोबाइल के शॉप में जाना है और भी ऐसे एक दो छोटा मोटा काम है जो कि राज आएंगे तब तक मैं कर लूंगी। इसके बाद बहुत टाइम बाद हम तब से गए नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया और बहुत दिन से मन में चल रहा था जाना है जाना है, क्योंकि इन लोग को भी जाना है। ये लोग भी सोमू के लिए फिर बहुत ये करते हैं, कहीं भी फोटो वीडियो देखेंगे फिर रोना गाना स्टार्ट करते हैं, चलो चलो। तो फिर बहुत दिन से, कई दिन से मैंने प्लानिंग करके रखा था। चलो तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जाने वाले हैं, राज आएगा, बस थोड़ा सा उसका थोड़ा काम रहेगा, फ्रेश वगैरह हो जाएगा, चेंज करेगा, फिर इसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो तब तक मैं मेरा काम, 2-4 काम ऐसे छोटा छोटा है वो करके आ जाती हूँ फ्रेंड्स, फिर जो है मैं मिलती हूँ। और हम अभी निकल दिए स्टेशन के लिए, देखते हैं वहाँ पे क्या आज काम होता है क्या नहीं होता है। अकेले ही जा रही हूँ, अकेले कैमरा पकड़ के जाना और रिकॉर्ड करना, बात करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, बट कोशिश करते हैं हर एक दिन नया कुछ करने का या अच्छा करने का, ऐसा कोशिश करते हैं। देखते हैं अभी क्या होता है आगे, तो आप सब ब्लॉग में बने रहिए। अभी जा रहे हैं हम चल चल के, अभी हमारा रिक्शा स्टैंड आने वाला है, तब तक हम चल चल के जाएं। बारिश भी नहीं है, धूप भी नहीं है, लेकिन धूप नहीं है फिर भी अंदर अंदर जो है थोड़ा ऐसा धूप जैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हमारे वीडियोस, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करिए। और बस हम आ गए, हमारा रिक्शा स्टैंड आ गया अभी सामने, तो अभी हम रिक्शा लेंगे और तुरंत जाएंगे पहले राज के स्कूल के इधर ही जाना है। और मोबाइल का भी दुकान जो है थोड़ा डिस्टेंस पे है, कुछ 1 मिनट के दूरी पे ऐसे, तो सब काम उधर ही है। तो बस जाते हैं, धूप नहीं है फिर भी धूप लग रहा है, अभी जाते हैं और फटाफट करके आते हैं, क्योंकि नित्या अभी घर पे जो है इंतज़ार कर रही है कि जाना है जाना है हमको, ऐसे करके वो अभी बैठ के वही इंतज़ार करेगी। आ गया हमारा रिक्शा स्टैंड, फिर मिलते हैं आगे। अभी मैं बैंक आई और बैंक यहाँ पे बंद है कल भी बंद था और आज भी बंद है, क्या मालूम है कौन सा सैटरडे, मैंने देखा नहीं सेकंड सैटरडे है या फोर्थ सैटरडे कौन सा है, बट आज भी बैंक बंद है। चलो जो ही काम मुझे वही हो जाए, एक तो बैंक का काम पसंद ही नहीं है लेकिन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स वहाँ का तो काम नहीं हुआ, निराशा ही हाथ लगे ऐसे आना पड़ा। और बीच में मंदिर पड़ता है एक हनुमान जी का, वहाँ पे शिव जी हैं, हनुमान जी भी हैं, साईं बाबा भी हैं, तो एक मीन्स वहाँ का बहुत अच्छा मंदिर है जो एरिया का, तो वहाँ पे मैं सोची चलो दर्शन खड़े खड़े कर लेती हूँ। फिर चलिए अभी मैं अजय भैया के दुकान में जाती हूँ, जो कि मोबाइल का अभी काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई अभी अजय भैया के इधर, तो वहाँ का काम तो मोबाइल का तो चलिए सक्सेसफुल हो गया, मोबाइल का काम हो गया। फिर मैं आई, फिर मैंने लाडो को रेडी किया क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था, सब काम समेटते सब काम करते, और मैंने फटाफट जो है लाडो को रेडी किया। तब तक बाबू भी आ गया, उसको मैंने बोला फटाफट करो, तो उसने भी एकदम स्पीड में सब तैयारी किया क्योंकि जाना था, तो हम सोचे कि चलो जल्दी निकलते हैं न कि और शाम करके, इस वजह से जो है हम लोग फटाफट कर रहे हैं। और साथ में मैं ओला भी बुक कर रही हूँ क्योंकि ओला से ईजी रहता है, यहीं से अपना बिल्डिंग से नीचे से बैठिए, वहाँ बिल्डिंग के नीचे पे उतरिए तो ठीक रहता, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है यहाँ से कोई जाने के लिए भी जल्दी, वहाँ डायरेक्ट रेडी नहीं होता है। इसके बाद रास्ते में वो लोग फिर बीच बीच में कभी बोलते हैं ये तो बहुत लंबा है, आपने वो एरिया बताया ऐसा वैसा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और ब्रिज क्रॉस करके ईस्ट से वेस्ट में जाना बच्चों को लेके बहुत मुश्किल होता है। तो हम सब जो है अभी निकल रहे हैं, और ये मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है, ये भी ऑनलाइन लिया है, मुझे पसंद आया, मुझे बहुत ही हल्का है, हवा हवाई है एकदम, है लगता ही नहीं है।
तो हम लोग कहाँ अभी निकल रहे हैं, आप सब ज़रूर ब्लॉग में बने रहिए। बस निकल दिए, अचानक से निकल दिए, दिमाग में आया तो निकल दिए, क्योंकि जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर ही करना चाहिए। और खुश तो हमेशा रहना चाहिए फ्रेंड्स, सभी को रहना चाहिए। लेकिन क्या करें, कुछ न कुछ ज़िंदगी में ऐसा टेंशन आ जाता है कि बहुत निराश हो जाते हैं या समझ में नहीं आता है। तो ओला हमारा नीचे आ गया है और हम जो है अभी जा रहे हैं, निकल दिए यहाँ पे। और राज के हाथ में अभी कैमरा है तो मम्मी मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करता हूँ, तो उनको रास्ते का रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है, तो अभी रास्ते का वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये ऑटो वाले जो भैया थे, बहुत दुल्हन की तरह सजाए थे अपने ऑटो को, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, इसके लिए मैं वो ऑटो के अंदर का रिकॉर्ड कर रही थी, नहीं तो नहीं करती मैं ऐसा। ऑटो के अंदर का ही मैं रिकॉर्ड कर रही थी, बड़ा अच्छा एकदम, जैसे लग रहा था शादी वादी का टेंट वेंट है, मस्त तो उसको सजा के पूरा तैयार किए थे। तो आप सब बने रहिए ब्लॉग में, अभी बस हम पहुंचने वाले हैं थोड़े टाइम। फ्रेंड्स सक्सेसफुली हम सब वहाँ पे पहुँच गए, अभी नीचे ही हैं। चेंज का बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी, कभी कभी होता है कि आपके पास भी चेंज नहीं है और सामने वाले के पास भी चेंज नहीं है, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। बट हो गया, यहाँ पे मिल गया। और ऑटो वाले भैया भी अच्छे थे, मीन्स अच्छे से लाए। अच्छा, क्योंकि ना जब इंसान अच्छे से बात करता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, वो कैसा भी हो पर्सनली, वो कैसा भी हो, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छे थे। और हम लोग पहुंच गए अभी, तो लाडो का थोड़ा सा बीच बीच में उनका चालू रहता है कुछ ना कुछ करना, ऐसा छोटी हो जाती हैं वो फटाक करके, फिर थोड़ा उनका एक्ट जो है ना पूरे रास्ते में चालू रहता है, फिर ये बहुत चिढ़ता है। ये छोटी, जब देखिए छोटी अभी हो गई, तो वो बहुत चिढ़ता है, मम्मी ये हर जगह ऐसा करती है, मम्मी अच्छा नहीं लगता है, कोई दूर से देखेगा तो सोचेगा ये पागल है, हमको मालूम है कि ये एक्टिंग कर रही है। तो मैं उसको समझाती हूँ क्या हम लोग करें, क्योंकि ये हमारे जीजा जी आए थे डोर खोलने के लिए और तुरंत वहाँ से निकल दिए, क्योंकि उनको उन्होंने देखा कैमरा है और वो मूवी देख रहे थे, वो पूरा दिन मूवी मीन्स रहते हैं घर पे तो मूवी देखते हैं। और यहाँ पे ऐसा इन्होंने मीन्स हथिया लिया है, ये बेड ऐसा लग रहा है कि मीन्स अभी छोड़ेंगे नहीं जब तक रहेंगे। और ये लाडो भी बड़े पापा को बोल रही है, बड़े पापा ठूस ठूस के खा रहे थे, कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं यार, पूरा टाइम बहुत मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे हमारा खाना पीना खा के हो गया है, थोड़ा सा बर्तन था जो कि फिर मैंने दीदी को बोला मैं धोती हूँ, वो नहीं धोने देती है, काम नहीं करने देती अपने यहाँ,
बोलती है तुम अपने यहाँ भी करो मेरे यहाँ भी, तो क्या मतलब है। लेकिन काम कैसा, लोग बढ़ते हैं तो काम भी ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा जो बर्तन खाना खाए खाने जो खाना खाने के बाद था वही हम लोग थोड़ा सा धोए। इसके बाद फिर इन लोगों को आइसक्रीम चाहिए, तो आइसक्रीम पार्टी अभी इन लोगों का स्टार्ट होगा। तो दो दो मिनट का सिर्फ वहाँ रिकॉर्ड, क्योंकि थोड़ा सा ना जो लोग इस फील्ड में नहीं है उनको अनकम्फर्टेबल होता है, थोड़ा सा वो लोग जो है ना कम्फर्टेबल नहीं रहते हैं उस जगह पे। जब कैमरा है, कैसा रहने का सबका अलग अलग तरीका है, वो चीज़ में नहीं है तो थोड़ा लगता है। बट थोड़ा थोड़ा बहन भी बोलती है नहीं तुम करो थोड़ा थोड़ा अपना। तो यहाँ पे जो है बिल्डिंग के नीचे का राज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि स्विमिंग पूल है, गार्डन है, अभी भी उनका सॉरी चालू है उनका बिल्डिंग का काम। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनके यहाँ, इनके यहाँ का बहुत ही खूबसूरत जगह है उनके यहाँ। जाने के बाद मन नहीं करता है आने का। और उनके किचन के बालकनी में यह संजीवनी बूटी जो कि अभी फ्लावर उसमें से आया है, बड़ा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आने का मन नहीं करता है। और ये लोग तो रोने लगते हैं, इन लोगों को डांट के अकेले में डांटना पड़ता है कि अभी बोलना मत, सामने की नहीं जाना है, चलो चुपचाप से। और दीदी भी कैसा, जीजा भी वो सोचते रहते हैं क्या लाऊं क्या रखूं, मतलब आए हैं बच्चे हम लोग आए हैं तो फिर दीदी भी एक एक चीज़ याद कर करके निकालती है, ये खा लो अभी, ये जूस पी लो, ये खाना बनाती हूँ ऐसे करके। मीन्स तो अच्छा लगता है, बहुत हम लोग खुश रहते हैं। और दीदी की एक ही बेटी है तो वो बहुत मीन्स कभी कभी रोने लगती है नित्या को सोच के कि नहीं आती है। अभी ऐसा हो गया है फ्रेंड्स कि वो अपना अभी नीट का कर रही है, वो मेडिकल का पढ़ाई कर रही है, उसको भी नहीं है टाइम। और ये दोनों लोग का ट्यूशन स्कूल रहता है तो कैसे मैनेज करूं, लंबा है समझ में नहीं आता। और इनका ये प्रोजेक्ट है जो कि अभी ये बना है, हम दोनों मिलके बनाए हैं, कैसा है आप सब बताइएगा। स्माइली फेस है ये, हैंगिंग क्या है, वॉल हैंगिंग ऐसा करके, मुझे तो मालूम भी नहीं रहता है, नाम समझ में भी नहीं आता है। और ये दोनों बहनें मिलें और कुछ अलग नहीं हो, कुछ मेकअप से रिलेटेड नहीं हो, कुछ पार्लर ब्यूटी से रिलेटेड नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अभी बड़ी बहन जो है बनी है पार्लर वाली और बोल रही है रिकॉर्ड नहीं करना मेरा, तो राज बोला नहीं कर रहा हूँ, वो चुपके से उसने किया। और इनको भी बहुत शौक है करवाने का रिकॉर्ड, और इनको बहुत शौक है रिकॉर्ड सॉरी तैयार होने का और इनको मेकअप करने का। तो हल्का फुल्का जस्ट इन्होंने किया, ये जब जाती है तो ये मेकअप करती ही है, उसका मेकओवर करती है, बाल पूरा बनाएगी, नेल पेंट लगाएगी, पूरा फुल रेडी उसको करेगी। तो बस फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया हो। फ्रेंड इसके भी पीछे बहुत सारा मेहनत है, बहुत सारा टाइम है जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपने पास, कोई हेल्प करने वाला नहीं है अपने पास। जैसे भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, गृहस्थी के साथ अपने मैनेज होता है, मुझसे जितना भी उतना कोशिश करती हूँ। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी अच्छा होगा, कोशिश करूँगी। आप सब अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए फ्रेंड्स। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये अभी जाएंगे ये लोग, हम लोग दोनों बहनें बैठ के थोड़ा दुख सुख बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ सीरियस बात हो रहा था इसलिए मेरा थोबड़ा थोड़ा अलग दिख रहा है। तो बस फ्रेंड मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।